आखिर क्यों हम आईने में अपने आप को वास्तविकता से ज़्यादा सुंदर देखते हैं? आप हर रोज आईने में अपने आप को निहारते हैं और सोचते हैं कि आज मैं पहले ज़्यादा अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही हूँ या नहीं। आईने में हम अपने चेहरे को देखकर फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे लिए आईने का प्रतिबिंब बहुत मायने रखता है, पर अब सवाल आता है कि क्या हम आईने में अपने आप को वास्तविकता से ज़्यादा सुंदर देखते हैं? क्या हम आईने के सामने ये सोचते हैं कि हम बहुत ही सुंदर हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। कभी हम खुद को आईने में निहारे तो हम खुद को सामान्य से अधिक सुंदर पाते हैं। इसके पीछे एक कारण है, आईने में खुद को रोज देखने के कारण आईने का वो अक्स हमारे लिए परिचित हो जाता है। हम इसके आदि हो जाते हैं, वही चेहरा हमें भाने लगता है। आईने में जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वह हमें हमारा रिवर्स दिखाता है। हम हमेशा से यही उल्टा प्रतिबिंब देखते आए हैं और इसी में सहज महसूस करने लग पड़ते हैं। हमारी खुद के बारे में एक दृढ़ धारणा हो जाती है, उसी चेहरे से हमारी दोस्ती हो जाती है। यह प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसके द्वारा लोग केवल उन्हीं चीज़ों के लिए वरीयता विकसित करते हैं जिनसे वे परिचित हैं। मनोविज्ञान में इस प्रभाव को कभी कभी परिचित सिद्धांत कहा जाता है। यूं कहें कि उस परिचय के कारण हमें वह चेहरा सुंदर लगने लग पड़ता है, लेकिन वही प्रतिबिंब जब हम फोटो में देखते हैं तो हम उसे नापसंद करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम जितने सुंदर हैं इतनी तस्वीर सुंदर नहीं आती। बेशक सब कहेंगे कि आप सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तस्वीर पसंद नहीं आएगी क्योंकि आप खुद को एक खास एंगल में देखने के आदि हो चुके हैं, उस एंगल में जैसे कि आपको आईने में देखते हैं। तस्वीर में इससे बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि हमारा चेहरा दोनों तरफ से एक जैसा नहीं होता। तस्वीर में हमारी स्टिल इमेज आती है जिससे अगर चेहरे की एक साइड कम खूबसूरत हो तो हम सुंदर नहीं दिखते, हमें खुद में कमियां दिखती हैं। अलग अलग तरह के कैमरे और लेंस में हम अलग अलग दिखते हैं। आप यह सोचेंगे कि काश आईने ही तस्वीर ले पाते। शीशे की पिछली सतह की गुणवत्ता और लाइटनिंग और स्थिति भी हमारी खूबसूरती निर्धारित करती है। इससे ही बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी छवि किस प्रकार की प्रस्तुत होगी। कुछ आईनों में हम अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, जबकि आप बाथरूम मिरर या शोरूम में मिलने वाले मिरर को देखें, उनमें हम कितने खूबसूरत पतले और लंबे दिखाई देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।